तो हे गाइस, हम आए थे ताजमहल की तरफ, बट आज फ्राइडे होने के कारण आज ताजमहल बंद है, तो इसलिए आज हम उसे विजिट नहीं कर पाए। तो अब हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट की ओर। तो आगरा फोर्ट आपको घुमाएंगे, वो एनी डे खुला रहता है। तो मेक श्योर आप जब भी आते हैं ताजमहल की ओर, तो आप फ्राइडे को ना आए, आप किसी और दिन आए। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है ताजमहल, जो बाकी बहुत बड़ी बाउंड्री खड़ी कर दी गई है, पहले ये नहीं थी। और दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है वो एंट्री, जहाँ से टिकट चेक होकर आपको अंदर ताजमहल की ओर एंट्री मिलती है। और देख सकते हैं दोस्तों, पूरा खाली है। उसके बाद दोस्तों हम पहुंच जाते हैं मेहताब बाग। मेहताब बाग दोस्तों एक व्यू पॉइंट है, जहां से आपको ताजमहल दिखाई देता है, और वहां से वाकई में सही बहुत अच्छा व्यू आता है, बिकॉज फ्रंट से तो सब गाइस, देखते दिस हैं। इज द ताज व्यू पॉइंट, जहां से हमें ताजमहल दिखाई देगा। यहां से हम टिकट लेने वाले हैं, देखिए देखो, और वहां से जाएंगे टिकट लेंगे। उधर दिखाइए, तो टिकट लेके अंदर चलते हैं। हे गाइस, यू कैन सी वी हैव रीच्ड हियर। वो देख सकते हैं, ये है पीछे से ताजमहल जो दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं मेहताब बाग, क्या बोलते हैं, ताजमहल व्यू पॉइंट। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये पीछे से दिखाई देता है के पास। और ये रहा पीछे से दोस्तों ताजमहल का बैक व्यू, आप देख सकते हैं। आज फ्राइडे होने के कारण दोस्तों ताजमहल बंद रहता है, तो इसलिए आप इसे जरूर ध्यान में रखें कि आप जब भी आए तो वो दिन फ्राइडे ना हो, बिकॉज पूरे मंथ में सिर्फ फ्राइडेज को ये बंद रहता है और बाकी सारे दिन खुला होता है। तो आप यहाँ से भी आके इसका व्यू इंजॉय कर सकते हैं, बट अंदर की बात कुछ और ही होती है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ का भी व्यू आप इंजॉय कर सकते हैं आके, बिकॉज फ्रॉम द बैक साइड आप इसे देख रहे हैं। तो आप आए और इसे इंजॉय करें। तो आगे देखते हैं आगे क्या करने तो वाले हम हैं। हैं आगरा फोर्ट पे, आप देख सकते हैं अभी दिन के 12:30 बज रहे हैं। मम्मी गई है टिकट लेने के लिए। टिकट लेने के बाद फिर हम अंदर चलेंगे और अंदर का व्यू दिखाएंगे आपको। दोस्तों यह है पूरा टिकट लिस्ट और टिकट का आप जो भी देख सकते हैं, फॉरेनर्स के लिए, इंडियंस के लिए। हे गाइस, तो टिकट्स हमारे पास हैं और अब हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट के अंदर। ये देखिए, देख सकते हैं काफी एक हिस्टोरिक, मतलब एक मॉन्यूमेंट है, देखिए काफी बड़ा है। ये तो दिल्ली के लाल किले से भी ज्यादा जबरदस्त लग रहा है मुझे। मैं वहां जा चुका हूँ, बट अभी उसकी वीडियो नहीं है, बट आई विल श्योरली मेक कि हम दिल्ली जाएं और वहां की भी वीडियो बनाएं। तब तक ये एंजॉय करिए। कितना लेते हैं कितना? सब स्टार्ट होता है 250 का, रीजनेबल प्राइस है, ज्यादा प्राइस नहीं है। नहीं नहीं उतना नहीं देंगे भैया। देखिए पूरा यागरा फोर्ट जो आप देखने जा रहे हैं, यागरा फोर्ट 445 साल पुराना फोर्ट, इसे जलेला जलेसवा जलेसन थर्ड नंबर बादशाह के अकबर ने बनाया। अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। आपने जो पहला गेट पास किया था, उस गेट का नाम था अमर सिंह राठौर गेट। जो आपने दूसरा गेट पास किया, जहाँ टिकट चेक हुआ था, वो था आपका वेलकम गेट। तीसरा गेट जो आप छोड़ के जा रहे हैं, ये है किंग गेट। पहले गेट से दूसरा, दूसरे गेट से तीसरा गेट नहीं दिखाई दे रहा। 1565 में बनना स्टार्ट हुआ, 1660 बन के कम्प्लीट हुआ। 95 ईयर्स कम्प्लीट था आगरा, 95 साल लगे आगरा फोर्ट। जब दुश्मन लोग हमला करते थे तो वहाँ से बड़े बड़े पत्थर फेंका जाता था, जब वो जानवरों के पैर में पड़ता था, जानवर बैक साइड पीछे लौटता था। इधर में डैलेंज देखा सामने वाला, इसमें से खोलता हुआ तेल और खोलता हुआ पानी यहाँ से फेंकते थे, दुश्मन चमक जाता था। तो जब उसके ऊपर पानी गिरता था तो बैक साइड पीछे लौट जाता था। जो रेलिंग देख रहा है, पहले क्या होता था, दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसमें क्या जबरदस्त कारीगरी की गई है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ही हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है ये। और ये दोस्तों दिखाता है, दर्शाता है कि किस तरीके के आर्ट और सारी चीजें यूज किए जाते थे पहले के जमाने में। और देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा किला है ये। अंदर से आप जाएंगे तो आप ये कई देर तक अकेले घूमते रह जाएंगे, इसे मेक श्योर कि आप गाइड एक जरूर ले लें मेरे हिसाब से, क्योंकि एक गाइड रहेगा तो आपको बहुत आसानी होगी। देखिए दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे लोग आके स्पीच दिया करते थे, बिकॉज ये जहाँ चारों जगह दीवारों में आवाज गूंजती है, अगर यहाँ कुछ आके बोलेंगे तो पूरा वाइब्रेशन और रेजोनेंस आपको सुनाई देने वाला है। और दोस्तों उसके बाद हम अंदर चले जाते हैं। आप देख सकते हैं काफी बड़ा है ये, जहाँ जाइएगा दोस्तों वहां पर कहीं ना कहीं कुछ रास्ते दिखेंगे। और केवल 25% दोस्तों पब्लिक के लिए है, बाकी 75% अलाउड नहीं है हमें विजिट करना। ये जो हिस्सा है ये केवल 25% है, आप जाएंगे तो आपको समझ आएगा। जैसे मैंने बताया अकबर बादशाह की तीन बेगम थी, मरियम, सुल्ताना, जोधाबाई। ये जोधाबाई का मंदिर, जोधाबाई इसी मंदिर में पूजा करते थे। पहले कोई भगवान की मूर्ति नहीं होती थी, कैंडल हुआ करते थे, उसमें पूजा होती थी। जाइए देखिए, एक फोटो निकाल देते हैं आपको। आइए, जो ये वाला स्टॉल है, आज आगरा फोर्ट 445 साल, ये जैसा था वैसे की वैसे ही रहता। थोड़ी सी स्टॉल रेड स्टॉल अकबर बादशाह ने इसी स्टॉल को पसंद किया। हाँ फोटो लेना, फोटो ले लीजिए। तो आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ से आपको ठीक क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपको उस पार नजर आ रहा है, ठीक है। बट जब उस साइड जाएंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, वॉल पूरी एकदम मतलब बनी हुई है। तो आइए दिखाते हैं उस तरफ, इट्स अ मैजिक।
कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उधर से आपको लगेगा कि आपको दिख रहा है, बट एक्चुअल में इधर से पूरी वॉल जो है कवर की हुई है, पता नहीं कैसे दिख रहा है। एंड आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग। व्यू देखना आपको इस तरह ताजमहल का, तो आपको आना होगा आगरा फोर्ट में, वहीं पे आपको ऐसा व्यू दिख सकता है। देखिए वहाँ दिख रहा होगा आपको ताजमहल, करीब 2 किलोमीटर दूर है आगरा फोर्ट में, और यहाँ पे अच्छी अच्छी फोटोज लेके जाए। आती थी और बरसात नहीं आती थी, मीटिंग बाहर होती थी। ये बात ब्रिटिश सरकार को पता लग गई कि यहाँ पे मीटिंग हुआ करती है, तो यहाँ बैठते थे चीफ मिनिस्टर, वहाँ बैठते थे जहांगीर, तो उन्होंने एक प्लानिंग बनाई। दोस्तों तो ये है दीवाने खास, पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पहले ज़माने में मीटिंग्स हुआ करती थी, और जब बारिश होती थी तो मीटिंग अंदर होती थी, और जब बारिश नहीं हो रही होती थी तो यहाँ होती थी। देखिए वहाँ पर, यहाँ पे बैठता था जहांगीर और वहाँ बैठता था शाहजहाँ, जैसा मुझे मेरे गाइड ने बताया है। तो हे गाइस, तो हम आगरा फोर्ट हमने कंप्लीट कर लिया है इसका टूर, और बात एक्चुअली क्या है ना दोस्तों कि ये है काफ़ी बड़ा, तो इसका हर एक डिटेल दिखाना, हर एक डिटेल बताना मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं है। वीडियो कम से कम 30-35 मिनट की हो जाती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हम शॉर्ट वीडियो रखते हैं अपना। तो आप जो भी आएँ, आप यहाँ एक बार आएँ, जिस गाइड के साथ मैं आया था उसे आप लें और घूमें, प्राइस काफ़ी रीजनेबल है, आप चाहे तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगा इसलिए आपको बता रहा हूँ, नहीं चाहे तो खुद भी घूम के चले जाइए, मुझे क्या है। बट द मेन थिंग इज़ दैट ये काफ़ी बड़ा था, इसे फुल कवर करना काफ़ी टफ था, और धूप भी पूरी थी और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। आई विल रिकमेंड कि आप आएँ इधर नवंबर से लेके जनवरी के टाइम पे, क्योंकि बेस्ट सीज़न तब रहता है। अभी काफ़ी गर्मी है, आप हो सकता है आप घूमें भी ना, गर्मी का ना वापस चले। तो बस इसके बाद हम जाएंगे कहीं, लेंगे पेठा और निकलेंगे वापस रूम। तो हे गाइस, तो आज हम आए हुए थे आगरा फोर्ट पे, तो आज हमें मिले हैं, ये आपका नाम क्या हुआ? आकाश ठाकुर। तो ये आकाश भाई साहब हैं यहाँ पे, जिन्होंने हमें पूरा आगरा फोर्ट का बहुत बढ़िया टूर दिया है। और अगर कोई आगरा फोर्ट विजिट करने आता है या फिर आगरा आते हैं और यहाँ प्लानिंग कर रहे घूमने की, तो इन्हें अपना गाइड ज़रूर बनाए, इनका नंबर हम नीचे दे देंगे लिंक में, आप सब लोग आएँ और इनको दे, बहुत अच्छी जानकारी दी उन्होंने हमें, बहुत अच्छा लगा। इतना मेरे को नहीं लगता कि हम खुद से आते घूमने तो पता चल पाता। आप आइए, प्राइस बहुत रीजनेबल है, ये कुछ कॉन्सेशन भी कर देंगे। और इनके पास आएँ, एक बार आप अपना नाम बता दीजिए और नंबर बोल दीजिएगा। मेरा नाम आकाश ठाकुर है, मेरा जो नंबर है 9897835077। चल ठीक है गाइस, थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।